पटना के कई इलाके और करीब 10 लाख की आबादी अभी भी जलजमाव से घिरी हुई है और ऐसे में पप्पू यादव वहां पे मदद का हाथ लेके पहुंच रहे हैं। 6 दिनों की से ये पूरे हालात बने हुए हैं। 3 दिन पहले बारिश भी रुक गई है, बावजूद इसके पानी की निकासी अब तक नहीं हो पाई है और लोग अभी भी अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह पप्पू यादव बेहद भावुक हो गए जब उनसे मिलने एक 9 साल की बच्ची आई। ये बच्ची बिहार की समस्तीपुर की है। खास बात यह कि इस बच्ची ने अपने गुल्लक यानी कि पिगी बैंक से को फोड़कर उससे पैसे निकाले और जो पैसा उसमें जमा था उस पैसे को लाकर उसने पप्पू यादव को दे दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव से मिलने आज सुबह सुबह ये मासूम बच्ची समस्तीपुर से पटना पहुंची है। बच्ची की पहचान श्रद्धि श्रेया के रूप में है और श्रद्धि श्रेया ने जब पप्पू यादव द्वारा पटना में रिलीफ को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उसका वीडियो देखा तो उसके बाद उसने अपना पिगी बैंक जो उसने दिवाली और दुर्गा पूजा के लिए जिसमें सेविंग करके रखी थी उसको फोड़ के अपने पापा से जिद करके वो पटना पहुंची और 11,000 रुपये उन्होंने पप्पू यादव को बतौर मदद के लिए दी और कहा कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको पप्पू यादव यह मदद पहुंचाए। पहले सुनिए कि इस तरीके से इस मासूम लड़की ने मदद का हाथ बढ़ाया है। देखिए ये बच्ची जो है गुल्लक मदद करने के लिए आई है। पप्पू यादव गुल्लक से पैसे लाए हैं? गुल्लक से आपने जमा किया था अपने लिए या आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए? लोगों को जो हो सबको कही जो जो हो मदद करे। ठीक है सर, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपको बताएं कि पिछले कई दिनों से पप्पू यादव पटना के अलग अलग इलाकों में जो कि जल जमाव से घिरे हुए हैं, परेशान हैं वहाँ के लोग, उनके बीच में राहत सामग्री लेकर के लगातार पहुँच रहे हैं। दूध खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ पानी की बोतलें जो हैं वो लेकर के लगातार सुबह से रात तक पहुँच रहे हैं। ऐसे में 9 साल की बच्ची ने जो मिसाल पेश की है उसने कहीं ना कहीं जो समाज है उसके अंदर एक तरीके से कहें कि लोगों को ऐसे मौके पर जो असहाय लोग हैं जिनको मदद चाहिए उनको मदद पहुंचे इसके लिए प्रेरित किया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।